हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स है। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखेंगे अल्कोहल्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। स्टूडेंट, उसके बाद हम देखेंगे फिनॉल्स क्या है, अल्कोहल्स और फिनॉल्स में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस है। स्टूडेंट, और लास्ट में हम देखेंगे ईथर्स क्या है, अल्कोहल के साथ ईथर को क्यों पढ़ा जाता है। इस चैप्टर में अल्कोहल फिनॉल के साथ ईथर क्यों दिया गया है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यही है कि ईथर यहां पर क्यों है, क्यों यह एल्डिहाइड और कीटोन के साथ नहीं पढ़ा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अल्कोहल्स, देखो अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हमने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, जिसको दूसरे लैंग्वेज में कहा जाता है एलिफाइटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, जिसको दूसरे लैंग्वेज में हम कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन वाले हाइड्रोकार्बन को अगेन क्लासिफाई किया जाता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। आप कहोगे सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, तो अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं। सैचुरेटेड में हम पढ़ते हैं अल्केन, सैचुरेटेड वो होता है जहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड में हम पढ़ते हैं अल्कीन और अल्काइन। यहां पर हम पढ़ते हैं होमोसाइक्लिक और फिर होता है हेट्रोसाइक्लिक। ये कैटेगरी है किसकी, हाइड्रोकार्बन की। अगर किसी हाइड्रोकार्बन से स्टूडेंट, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, चाहे ओपन चेन वाला हो या क्लोज चेन वाला हो, किसी भी हाइड्रोकार्बन से उसके हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस करते हैं, और किससे रिप्लेस करते हैं, एक ग्रुप होता है उस ग्रुप का नाम है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, OH-, यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इससे किसी भी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, ओपन चेन वाला हो या क्लोज चेन वाला हो, दोनों में से कोई भी, अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, होमोसाइक्लिक हो, हेट्रोसाइक्लिक हो, उसके हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करते हैं तो जो डेरिवेटिव या कंपाउंड ऑब्टेन होगा उसी को हम कहते हैं अल्कोहल्स। कॉमनली जो हमारे सिलेबस में है वो हम पढ़ेंगे अल्काइल अल्कोहल, जिसको ROH से लिखते हैं। आगे देखेंगे कि अल्कोहल कितने सारे टाइप्स के होते हैं। स्टूडेंट, तो समझ में आया, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाए, किससे रिप्लेस किया जाए, OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। तो इस ऐसा डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। कुछ बुक्स में आप पढ़ेंगे या अल्कीन है, अल्कीन फैमिली का पहला मेंबर है जिसका नाम मीथेन है। अगर इसके हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए, जो कंपाउंड बनेगा वो CH3OH हो जाएगा। अरे भाई ये CH3 है, OH यही तो अल्कोहल है। तो कुछ बुक्स में क्या लिखा रहता है, अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है। यस, ये बात सही है लेकिन पूरा सही नहीं है। क्यों, अल्कोहल्स हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन्स भी हो सकता है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्काइन्स भी हो सकता है, अल्कोहल्स हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिसाइक्लिक, दैट मींस होमोसाइक्लिक के भी दो टाइप्स है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, दोनों का भी हो सकता है यार, और अल्कोहल हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकता है। इसलिए आप जब भी बोलना अल्कोहल्स आर क्या है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, किसका, हाइड्रोकार्बन का। स्टूडेंट, तो होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया, व्हाट आर अल्कोहल्स। तो चलिए देखते हैं
अल्कोहल को हाइड्रोक्सी ग्रुप के बेसिस पर, किसके बेस पर, OH के बेसिस पर कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट, कितने टाइप्स में हम बांट सकते हैं। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप के बेसिस पर हम अल्कोहल को क्लासिफाई करते हैं स्टूडेंट, तो इसको कई सारे कैटेगरी, कॉमनली दो ही कैटेगरी होता है, दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं कई सारी कैटेगरी में क्लासिफाई करूंगा, लेकिन होते तो दो ही है। एक को कहते हैं मोनो हाइड्रिक अल्कोहल्स। अगर ये मोनो हाइड्रिक अल्कोहल्स क्या है, ऐसा अल्कोहल जिसमें एक OH हो, कितना OH हो, एक OH, OH इज व्हाट, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, उसे हम मोनो हाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमको पता है मिथाइल अल्कोहल, IUPAC में इसको क्या कहेंगे, मिथेनॉल। मिथाइल अल्कोहल बहुत फेमस है, कौन सा अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल बाय ड्रिंकिंग वाटर और ड्रिंक में, कौन सा ड्रिंक, समझ गया होगे ना, बेवड़े लोग जो पीते हैं उसमें दोनों का मिक्सचर होता है और ज्यादातर इथाइल अल्कोहल होता है। देखो वहां लिखा रहता है अल्कोहल इतना परसेंट प्रेजेंट है, तो आगे पढ़ना उसमें कौन कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट है, तो मिथाइल और इथाइल होता है। ये कौन सा, इथाइल अल्कोहल, IUPAC में क्या कहेंगे, इथेनॉल। इसमें कितना OH है यार, एक OH, तो इसको क्या कहेंगे हम, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर दो OH हो जाए, और याद रखना दोनों OH एक कार्बन पर नहीं होंगे, जैसा कि हमने हैलोजन डेरिवेटिव में पढ़ा था कि दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर हो सकते हैं, जिसका नाम मैंने आपको पढ़ाया था जेमिनल। अगर दोनों डिफरेंट डिफरेंट पर होते हैं तो उसको हम विसिनल कहते हैं, लेकिन यहां जेमिनल विसिनल का फंडा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, आगे पढ़ेंगे कि एक ही कार्बन पर दो OH क्यों नहीं हो सकते हैं। आज सिर्फ हम बेसिक लेवल पर इंट्रोडक्शन यानी क्लासिफिकेशन को लेकर कुछ सारी बातें करेंगे स्टूडेंट। तो दूसरे को हम कहते हैं डाई हाइड्रिक अल्कोहल्स, दूसरे लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं ग्लाइकोल्स, ऐसा अल्कोहल जिसमें दो OH बॉन्ड, दो OH, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, ग्लाइकोल CH2OH, CH2OH, कॉमन नेम में इसको हम कहते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल, क्या कहेंगे, इथिलीन ग्लाइकॉल्स, और IUPAC में हम कहेंगे इथेन या इथ लिख सकते हो, 1.2 डायऑल। ऐसे ही CH3, CHOH, CHOH या CH2OH होगा, क्या नाम होगा इसका, प्रोपेन। अरे तीन कार्बन है प्रोपा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है एन, प्रोपेन, यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 1 2 डाई ऑल, क्या नाम है इसका, डायहाइड्रिक अल्कोहल, ये ग्लाइकॉल्स है स्टूडेंट। ऐसे जो तीसरी कैटेगरी होती है, अब तो होप समझ में आ गया होगा, मोनोहाइड्रिक मतलब एक OH, डायहाइड्रिक मतलब दो OH, एक ही कंपाउंड में दो OH हो डायहाइड्रिक है, और अगर तीन है तो उसको हम कहते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स। ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या है, इसको ट्राईऑल भी कहा जाता है, ऑल क्यों, IUPAC में OH को ऑल कहा जाता है, इसलिए ट्राईऑल, ये डायऑल्स है, ये ऑल्स है, मोनोऑल्स, मोनो मतलब एक OH, ट्रायल्स या ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH, CH2OH, इसका नाम ट्राहाइड्रिक अल्कोहल है और इसका रियल नेम है ग्लिसरॉल। IUPAC में हम इसको क्या कहेंगे, प्रोप 1 2 3 ट्रायल, और जो लास्ट वाला होता है इसको हम कहते हैं पॉली हाइड्रिक अल्कोहल्स। अब ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, वैसे तो मोनो और पॉली ही होता है,
पॉली भी, पॉली के अंदर ही डाय और ट्राई आते हैं, कॉमनली दो ही टाइप्स के होते हैं, मोनो और पॉली। वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें मोर देन वन OH हो, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं बोल सकते ना, तीन तक तो हमने क्लासिफाई किया, चौथे को कहेंगे मोर देन थ्री OH हो, तो उसे हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का, CH OH, कितने कार्बन हुए, 1, 2, 3, 4, ये भी ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है लेकिन ये CH नहीं, CH2 कर देंगे, CH OH 5, एक और ले लेते हैं CH2 OH, टोटल कितने OH लगा दिया मैंने, 6 OH, हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल है लेकिन इसका नाम भी है, कॉमन नेम है सॉर्बिटॉल। क्या नाम है इसका, सॉर्बिटॉल। और यह कौन सा अल्कोहल है, एक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल से। तो होप हमको अल्कोहल किसके बेसिस पर क्लासिफाई कर लिया, हमको समझ में आया, OH के बेसिस पर हमने अल्कोहल को इतने पार्ट में क्लासिफाई कर लिया, कौन कौन सा, मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक जिसमें सिंगल OH हो, डायहाइड्रिक जिसमें दो OH हो, ट्राईहाइड्रिक जिसमें तीन OH हो, और पॉलीहाइड्रिक जिसमें मोर देन थ्री OH, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो। स्टूडेंट अब हम देखेंगे यह जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है यह कितने टाइप का होता है, क्योंकि हम इस चैप्टर में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के एक टाइप पर बात करने वाले हैं। किस पर बात करने वाले हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के एक टाइप पर। तो चलिए अब हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को समझते हैं स्टूडेंट। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, हमको पता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं, ऐसे अल्कोहल जिसमें सिंगल OH होता है, सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है स्टूडेंट, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को स्टूडेंट किसके बेस पर क्लासिफाई किया जा सकता है, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन हमको पता है, हमने 11th ग्रेड में पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन, बेसिकली बेसिक लेवल पर याद रखो, वैसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। यह sp2 sp3 हमने 11th में पढ़ा है स्टूडेंट। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर अगर हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को क्लासिफाई करते हैं स्टूडेंट, तो दो कैटेगरी में इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जो पहली कैटेगरी आती है, किसके बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं, याद रखो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं, और अल्कोहल को किसके बेसिस पर क्लासिफाई किए थे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पर क्लासिफाई किए थे, तब वहां पे मैंने आपको बताया था मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एंड टेट्राहाइड्रिक, जो भी पॉलीहाइड्रिक भी हमने पढ़ा था। तो सबसे पहला जो होता है, जो OH है, जिस कार्बन से जुड़ रहा है ना, वह कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है, तो अगर वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp3 COH बॉन्ड मिले, तो एक कैटेगरी ये हो गया। उसके अंदर कौन सा sp3, जो OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो, और दूसरा जो कैटेगरी है वह sp2 C और OH का जो बॉन्ड हम देख रहे हैं वो कैसा रहे, sp2, यानी OH जिस कार्बन से जुड़े वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो, इस दो बेस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अगेन ये जो sp3 COH बॉन्ड हमें मिलेगा, COH बॉन्ड वाला, यह भी कई सारे टाइप का होता है। सबसे पहले होता है अल्काइल अल्कोहल। अब ये अल्काइल अल्कोहल क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कुछ साइंटिस्ट का कहना है
कि अल्कोहल्स आर अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, मैंने यही डेफिनेशन बोला था ना आपको, जैसे CH, ये अल्कीन है। अल्कीन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो ये जो ग्रुप बनता है इसको हमने पढ़ा अल्काइल ग्रुप कहते हैं। अब किससे रिमूव किया? OH से, तो ये हमारा क्या हो गया? अल्काइल अल्कोहल। समझ में आया अल्काइल अल्कोहल क्या है? अल्काइल ग्रुप आपको पता है, किसी भी अल्केन से, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, कोई भी अल्केन हो, अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो जो ग्रुप बनता है उसे अल्काइल कहते हैं। और वह जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ किसकी वजह से हो? हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से। तो जो अल्कोहल बनेगा वो कौन सा अल्कोहल होगा? हाइड्रोक्सिल अल्काइल अल्कोहल। यह स्टूडेंट अल्काइल अल्कोहल जो है 3 टाइप का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल जैसे OH जिस कार्बन से जुड़ा है सबसे पहले वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 डिग्री हो, 1 डिग्री मतलब उसके साथ एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, तो ये हो गया आपका प्राइमरी। सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा है, कैटेगरी कौन सा पढ़ रहा है? sp3 वाला, तो जिस कार्बन से जुड़ा हो sp3 हाइब्रिडाइज हो और वो 2 डिग्री हो, 2 डिग्री मतलब उसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हो, तो ये हाइड्रोजन हो गया, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी कौन सा अल्कोहल? अल्काइल अल्कोहल है स्टूडेंट, क्योंकि R अल्काइल ग्रुप होते हैं। और थर्ड वाला OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन 3 डिग्री हो, यानी उसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हो, यह टर्शरी अल्काइल अल्कोहल हुआ स्टूडेंट। कौन सा अल्कोहल? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कौन सा अल्कोहल? अल्काइल अल्कोहल। मैंने कहा था इस चैप्टर में आपको अल्कोहल के क्लासिफिकेशन को बहुत माइन्यूट लेवल पर समझना है। जब तक आपकी समझ बहुत माइन्यूट लेवल पर नहीं होगी आप समझ नहीं पाओगे चैप्टर को। तो ध्यान रखिए अल्काइल अल्कोहल, क्योंकि पूरे सिलेबस में यार हमको अल्काइल अल्कोहल ही पढ़ना है। जो दूसरी कैटेगरी है उसको हम स्टूडेंट कहते हैं एलाइलिक अल्कोहल्स। देखो अल्कोहल्स कई सारे टाइप के होते हैं, अल्कोहल को लेकर आपकी समझदारी अगर नहीं अच्छी हुई तो आप नहीं प्रिपेयर कर सकते हो अल्कोहल्स को। एलाइलिक, ये क्या है एलाइल? तो अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा, हैलोजन डेरिवेटिव का देखा है, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जो ग्रुप्स होते हैं केमिस्ट्री में, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो 4 टाइप के होते हैं, अल्काइल, अराइल, विनाइल और अलाइल, ये 4 टाइप के ग्रुप होते हैं। तो ये चौथे टाइप का ग्रुप है। तो ये चौथे टाइप का ग्रुप क्या है, चलिए उसको समझते हैं स्टूडेंट। OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वह कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। किससे? अपने बगल वाले कार्बन से या किसी से भी, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, sp3 है। लेकिन उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। तो ये जो अल्कोहल बना यहां पर, इस अल्कोहल को कहेंगे अलाइलिक अल्कोहल, क्योंकि इस ग्रुप को कहते हैं अलाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? अलाइल ग्रुप। देखो OH जुड़ा है ना, इसीलिए मैंने कहा था जो पुराना डेफिनेशन था अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स, देखो नो, यहां अल्कीन भी आ गया, ये ईन है, तो अल्कोहल्स हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन्स भी होता है स्टूडेंट। चलिए यहां ध्यान दीजिए, तो अलाइलिक अल्कोहल जो है जो OH किससे जुड़ा हो, ऐसे कार्बन से जिसके पास 2 हाइड्रोजन हो, यानी सिंपल लैंग्वेज में कहूं sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, और ग्रुप कौन सा हो? अलाइल हो। अलाइल का मतलब मैंने समझा दिया कि कार्बन OH यानी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड रखा है, तो अलाइल ग्रुप होगा स्टूडेंट। यह भी 3 टाइप का होता है स्टूडेंट,
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेम। इसके भी टाइप्स देख लेते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये तो प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल है जिसको हम कॉमनली क्या लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पहचानने का एक सिंपल तरीका बताता हूं आपको। कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास हाइड्रोजन गिन लो, अगर दो है तो प्राइमरी है, एक है तो सेकेंडरी है। जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, टर्शरी है। देखो यहां पर कितने हाइड्रोजन है, दो, प्राइमरी है। देखो कितने हाइड्रोजन है यहां पे, एक, सेकेंडरी है, सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल है। और ये कौन सा है, टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल। तो अलाइलिक अल्कोहल दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइज वाले की, उसको हम कहते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। स्टूडेंट तो चलिए समझते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं। बेंजाइलिक अल्कोहल्स यह भी इसी का कैटेगरी है, sp3 हाइब्रिडाइज वाला। जैसे अलाइल में आपने पढ़ा OH जिस कार्बन से अटैच्ड हो उसके नेक्स्ट वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, ऐसे सेम OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, जिस भी कार्बन से, वो उसके बगल वाला कार्बन एरोमेटिक ग्रुप से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, एरोमेटिक ग्रुप से, उसे हम कहेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। और यह कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यह किसके कैटेगरी में आया, sp3 CuH बॉन्ड वाला क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। देखो सबके पास सिंगल OH है, सब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है स्टूडेंट्स। यह भी दो टाइप, तीन टाइप का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। जैसे यह था प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्काइल अल्कोहल, टर्शरी अल्काइल अल्कोहल, प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल, सेकेंडरी अलाइलिक अल्कोहल, टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल, ऐसे प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल, सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल, टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या करना है आपको, यहां पे अल्काइल ग्रुप लगा देने। ये जो एग्जांपल था ये प्राइमरी का है, CrHOH। देखो एक H है ना, मैंने कहा था सिंगल H दिखेगा, तो कह देना सेकेंडरी है। एक भी एच नहीं है, टर्शरी है, लेकिन यह अभी भी है कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो यह था sp3 हाइब्रिडाइज COH बॉन्ड। OH ऐसे कार्बन से जुड़े जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, और कितने OH हो, एक OH, यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की हमने पहली कैटेगरी देखा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और कौन से हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर। अब हम देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के बेस पर जो अल्कोहल होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है, यह कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हम sp2 COH, यानी OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो वह sp2 हाइब्रिडाइज हो, इसके बेस पर अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को क्लासिफाई करते हैं, तो दो पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है विनाइलिक अल्कोहल्स और दूसरा होता है फिनॉल्स। विनाइलिक, मैंने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चार ग्रुप होते हैं, अल्काइल, अराइल, विनाइल और अलाइल। अलाइल तो हमने देख लिया,
कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हो उसके नेक्स्ट वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, वह है विनाइलिक, वह अलाइलिक होता है स्टूडेंट, सॉरी। विनाइलिक क्या होता है? OH जिस कार्बन से जुड़ा हो वही कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा, समझ में आया? ये हमारा हो गया विनाइलिक अल्कोहल। तो देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है ये डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड जहां पे हो यानी ईन जहां पे हो वह कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो इस अल्कोहल को कहेंगे विनाइल अल्कोहल। और फिनॉल्स क्या है? फिनॉल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो स्टूडेंट। एरोमेटिक कंपाउंड आपको पता होगा जो हक्कल्स रूल को फॉलो करता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की थियरी को फॉलो करता है। तो कोई भी अगर एरोमेटिक कंपाउंड हो स्टूडेंट और उसके हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो जो कंपाउंड बनेगा उसे हम फिनॉल्स कहते हैं। जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन के हर पोजीशन पर हाइड्रोजन है, अगर इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH से रिप्लेस कर दें तो जो मिलेगा यह OH। देखो यहां पर हर कार्बन बेंजीन रिंग में, देखो हर एक कार्बन एक साइड सिंगल बॉन्ड से दूसरे साइड डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, यानी हर कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, और जहां डबल बॉन्ड हो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp2, इस वाले की भी बात करें तो sp2, इसकी भी बात करें sp2, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये हो गया फिनॉल्स। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है, यही खाली फिनॉल्स नहीं है, फिनॉल एक फैमिली होता है स्टूडेंट। 12th ग्रेड में सबसे बड़ी जो हमारी गलती होती है, हम खाली इसको ही फिनॉल्स मानते हैं। मैंने कहा फिनॉल्स क्या है? व्हाट आर फिनॉल्स? फिनॉल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो क्या एक ही एरोमेटिक कंपाउंड होता है? जो हमने अल्कीन्स में गलती किया था, सॉरी अल्कोहल्स में गलती किया था, हमने कहा क्या कहा था कि अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन्स। ऐसा कहना गलत है या सही है? गलत है, क्योंकि हमने टाइप्स देख लिया। अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ किसके किसके? अल्काइल अल्कोहल्स देखा तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन था, दूसरा उसके बाद हमने अलाइलिक अल्कोहल देखा, उसके बाद हमने बेंजाइलिक अल्कोहल देखा, अब हम देख रहे हैं विनाइलिक अल्कोहल, फिर हम ये क्लोज चैन वाला अल्कोहल देख रहे हैं यानी एरोमेटिक अल्कोहल्स देख रहे हैं। तो इसलिए कह सकते हैं अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो ऐसे फिनॉल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उनका जो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होगा उसी को हम फिनॉल्स कहते हैं। देखो यह एक कंपाउंड है जिसको हम नेफ्थलीन कहते हैं स्टूडेंट, यह भी एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके भी हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करके OH से हम, तो यह भी एक फिनॉल है, इसका नाम है नेफ्थॉल। लेकिन कॉमनली हम इसको ही फिनॉल कहते हैं, जो कि गलत है स्टूडेंट कहना, यह भी फिनॉल है। फिनॉल एक फैमिली है, जैसे अल्कोहल एक फैमिली है उसी तरह फिनॉल भी एक फैमिली होता है। आगे समझते हैं इसमें ईथर क्यों रखा गया। तो होप पहले हमें अल्कोहल समझ में आया, अल्कोहल्स क्या है? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव किसके? अल्कीन्स के। कितने टाइप्स के होते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें एक OH हो, डायहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें दो OH हो उसको हमने ग्लाइकॉल भी कहा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें तीन OH हो जिसको हम ग्लिसरॉल या ट्रायोल्स भी कहते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर जब देखा OH जिस कार्बन पर जुड़ रहा है अगर वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो अल्कोहल्स मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है वो बेसिकली थ्री टाइप्स के होंगे, अल्काइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल और अलाइल अल्कोहल। अगर वह कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो अल्कोहल दो टाइप के होंगे, विनाइलिक अल्कोहल और फिनॉल्स। तो फिनॉल्स भी एक अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। आगे और डिटेल में हम पढ़ेंगे
फिनॉल्स भी डायहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक होते हैं। अभी बेसिक लेवल पर एक समझ रखो, फिनॉल भी एक अल्कोहल्स है। कौन सा अल्कोहल्स है? sp2 हाइब्रिडाइज वाला मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स है। यहां पे अभी जो मैंने आपको पढ़ाया इसके बेस पर समझ में आया। तो फिनॉल्स और अल्कोहल्स में क्या सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटी ये है, फिनॉल भी एक अल्कोहल होता है, लेकिन फिनॉल एक स्पेशल केस बन जाता है। अगर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव किसका हो? एरोमेटिक ग्रुप का हो, तो ऐसे अल्कोहल्स को हम फिनॉल्स कहते हैं। होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। फिनॉल एक स्पेशल टाइप ऑफ अल्कोहल्स है। जब OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां पर अटैच्ड होता है? किसी एरोमेटिक ग्रुप पर यानी एरोमेटिक कंपाउंड पर जुड़ जाता है, तो उसे हम फिनॉल्स कहते हैं स्टूडेंट। चलिए अब समझते हैं यहां पर ईथर को क्यों रखा गया, ईथर वाला क्या मचमच है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं सबसे पहले ईथर्स होते क्या है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि अल्कोहल्स जो है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। ऐसे एक ग्रुप होता है OR, इस ग्रुप को कहते हैं अल्कोक्सी। अल्कोक्सी अब कोई हाइड्रोकार्बन हो, जैसे अल्केन ले लें, ये अल्केन हो गया, इसके हाइड्रोजन को हम OR यानी अल्कोक्सी ग्रुप से रिप्लेस करते हैं, तो जो डेरिवेटिव ऑब्टेन होता है ना, ये जो डेरिवेटिव ऑब्टेन हुआ हमारा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3OR, यही हमारा क्या कहलाता है, ईथर्स। ईथर्स आर अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। किसके अल्कोक्सी डेरिवेटिव है? हाइड्रोकार्बन के अल्कोक्सी डेरिवेटिव है। आगे देखेंगे ईथर कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे एनॉल टाइप्स, एनॉल को लेकर, प्रिपरेशन को लेकर डिटेल में हम बातें करेंगे। अल्कोहल और इसमें सिमिलैरिटी क्या है? अगर हम बात करें C4H10O, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने लिख दिया, ये हमारा एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर इससे हम अल्कोहल बनाते हैं स्टूडेंट, तो कुछ इस तरह बनेगा, CH3 CH2 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 OH, 1 2 3 4, टोटल कितने कार्बन है? 4। इसका नाम हो गया ब्यूट OH, फर्स्ट कार्बन पे है ब्यूट वनॉल, ये इसका नाम हो गया। ये क्या है? अल्कोहल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। दूसरा अगर मैं बनाता हूं CH3 CH2 O CH2 CH3, देखो ये ईथर है, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है, ROR यार है, ये भी R है। ईथर का जर्नल फॉर्मूला होता है ROR, ये ईथर है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, गिन लो, इसका नाम क्या होगा? इथॉक्सी इथेन, एक आर को ऑक्सी और दूसरे आर को एन लेते हैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है? सेम, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, या अल्कोहल था या ईथर हो गया। यानी अल्कोहल और ईथर कुछ हैं, क्या हैं? फंक्शनल आइसोमर्स। क्या है स्टूडेंट? अल्कोहल ईथर में कन्वर्टेबल होता है और ईथर अल्कोहल्स में, जिसके वजह से स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, और इस फिनोमिनन को हम कहते हैं आइसोमरिज्म। और आइसोमरिज्म के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्टीरियो स्ट्रक्चरल में 6 टाइप होते हैं, चैन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामरिज्म और टोटोमरिज्म, लास्ट होता है चैन, रिंग चैन आइसोमरिज्म। वैसे उसमें एक टाइप मैंने बताया आपको, फंक्शनल आइसोमरिज्म। तो ईथर और कौन? अल्कोहल्स, ये दोनों फंक्शनल आइसोमर होते हैं, और फंक्शनल आइसोमर होने की वजह से इनको साथ में पढ़ा जाता है। तो होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। अगले लेक्चर में हम प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात करेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।